हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको अच्छी से नॉलेज दूंगा। कभी भी आप यदि विदेश कंट्री में जाते हैं आज के टाइम के आज के डेट में, तो दोस्तों कभी भी एजेंट को पैसा मत दीजिएगा। कब तक? जब तक आपकी फ्लाइट ना चालू हो तब तक, ठीक है दोस्तों। यदि आपकी फ्लाइट चालू हो गई हो, आप अपना वीजा किसी भी एजेंट के थ्रू लें। मैं बता दूं, आज के डेट में इतना फ्रॉड काम चल रहा है कि आप सोच के भी दंग हो जाएंगे। तो वीजा क्या होता है? वीजा आप चेक कराइए, किसी से चेक कराइए, एजेंट से चेक कराइए, आपसे बड़े होशियार समझदार जो भी हैं उनसे चेक कराइए। यदि वीजा सही लगता है, नेट पे शो करता है, कंपनी दिखाई देती है, आपका पूरा बायोटू डेटा है, तो ही एजेंट को पैसा दीजिए। अगर एजेंट 10 रुपया मांग रहा है, नेट पे शो कर रहा है, तो आप उसको 20 रुपया देने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि दोस्तों विदेश कंट्री एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पे इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे पास इतना दोस्तों डॉक्यूमेंट आता है कि मैं क्या बताऊंगा आपको, कि कम से कम इतना फर्जी होता है, कुछ तो सही होता है, बकिया सब फर्जी होता है। अगर 100% में से 75% तो फर्जी होता है, 25% बस सही होता है। तो दोस्तों मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं हर एजेंट वाले भाइयों से कि कभी भी अपने क्लाइंट को अगर विदेश कंट्री में भेजते हैं, चंद पैसे के चलते में उनका जिंदगी ना बर्बाद करिए। क्योंकि वह पैसा कहां से आता है? कोई अपना खेत रखता है, तो कोई अपना लोन पे पैसा लेता है, तो कोई सूदी पे पैसा लेता है, तो कोई अड़ोस पड़ोस से पैसा लेता है, तो कोई रिश्तेदार से पैसा लेता है। ये पैसा 70-80 हजार जुटाने में, आपको देने में, वो कहां कहां से पैसा ले आते हैं वो तो वही जानते हैं जो हर एजेंट के पास इतना पैसा एक इंसान ले आकर देता है विदेश कंट्री में जाने के लिए। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, चाहे कोई भी मेरा एजेंट भाई हो या चाहे कोई भी मेरा गल्फ कंट्री में जाकर पैसा कमाने वाला हो, आप अगर एजेंट हैं तो आप पैसा उचित समान लीजिए ताकि उसको भी तकलीफ ना हो पैसा देने में, ठीक है। यदि आप विदेश कंट्री में जाते हैं, कोई भी मेरा व्यूअर्स हो विदेश कंट्री में जाता हो, चाहे वो दुबई जाता हो, साउथ अफ्रीका जाता हो, स्विट्जरलैंड जाता हो, अफ्रीका जाता हो, या चाहे कनाडा जाता हो, या चाहे हांगकांग जाता हो, चाहे बैंकॉक जाता हो, चाहे सऊदी अरब जाता हो, चाहे गल्फ के किसी भी कंट्री में जाता हो, ठीक है दोस्तों, केवल दोहा कतर कंट्री को छोड़कर, वरना किसी भी कंट्री में जाता हो, वह अपने एजेंट को तब तक नहीं पैसा देगा तब तक फ्लाइट ना चालू हो जाए, वीजा ऑनलाइन चेक ना कर ले। आजकल दोस्तों कितना फ्रॉड हो रहा है थोड़ा जान लीजिए। हालांकि हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो बताना नहीं चाहता हूं, फिर भी इतना अत्याचार होता है तो बताने पर मजबूर हो जाता हूं। आजकल कंप्यूटर द्वारा स्कैन कर प्रिंट आउट से किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी कंपनी का लोगो चपका कर उसको क्या चीज हो रहा है दे दिया जा रहा है कि भाई आपका वीजा आ गया है। वो अब इतना इतना समझदार, इतना पढ़े लिखे है तो नहीं कि भाई वो चेक कराए। अब वो क्या कर रहा है, एजेंट बार बार फोन कर रहा है, भाई आपका वीजा आ गया, कुछ पैसा जमा करिए, भाई फोन आ गया, मतलब वीजा आ गया, पैसा जमा करिए। तो ये सब तमाम बातें सुनकर वो हर क्लाइंट जो होते हैं, कोई अपना खेत गिरवी रख देता, कोई रिश्तेदार से पैसा मांग लेता, कोई पड़ोस से मांग लेता, कोई पटीदार रिश्तेदार से, मतलब जहां से मर्जी वहां से क्या करता है, पैसा एजेंट को दे देता है। कुछ दिन के बाद पता चलता है वीजा फर्जी है, एजेंट मेरा पैसा खा गया। अब जो आदमी का सपना रहता है विदेश गल्फ कंट्री में जाकर कमाने के लिए, तो उसका सपना वहीं चूर हो जाता है। फिर कभी वह सोचता नहीं है कि मुझे अच्छा एजेंट मिलेंगे तो जाएंगे, वह सोचेगा कि नहीं जाऊंगा। मेरे पास एक व्यूअर से मेरा, वो मुझसे कहा कि अरे सर, मैं कम से कम 4-5 लोग को जमा किया था, और कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया मेरा बर्बाद हो गया, इसीलिए मेरा हिम्मत नहीं करता है कि मैं चला जाऊं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपके मदद से मैं चला जाऊं। मैं दोस्तों आपको कहता हूं, मैं किसी को विदेश गल्फ कंट्री में भेजने की अनुमति नहीं लेता हूं, और ना ही किसी एजेंट को बताता हूं, क्योंकि हमारे चलते कोई परेशान ना हो। मैं हर कुछ बताऊंगा आपको, सच्चाई बताऊंगा आपको, केवल आप अच्छी एजेंट को खोजिए और उसको अच्छा, अगर अच्छा एजेंट मिल गया आपको, 1 रुपया जगह 2 रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं, उतना पैसा आप कमा लेंगे, ठीक है दोस्तों। कहीं आपको फर्जी एजेंट मिल गया तो 1.5 रुपया चक्कर में 2 रुपया दे के बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बात दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा। और एक बात और बता दूं, किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं, आपसे बड़े हो, आपसे होशियार हो, आपसे समझदार हो, तो दोस्तों ये हमारी वीडियो उनको तक भेजिएगा, तभी आपको वो अच्छी से अच्छी सीख देंगे और अच्छी से अच्छी ज्ञान देंगे कि कितनी सच्चाई है कि आज के डेट में कितना फर्जी और फ्रॉड के काम चल रहा है इस दुनिया में। तो जब तक फ्लाइट ना चालू हो तब तक अपना वीजा ना पूरा चेक कर ले, पूरा ऑनलाइन दिखाई ना दे, तब तक आप किसी भी एजेंट को 1 रुपया दीजिएगा ना। अगर पैसा आप खुद देंगे, खुद जिम्मेदार होंगे, बता देता हूं मैं दोस्तों।
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, बेहतर अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों तक शेयर लगाकर उसका जिंदगी, उसका पैसा, उसका समय, उसका टाइम जरूर बताइएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल सुझाव हो तो हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। जो भी जानकारी हमसे लेना चाहते हैं बेझिझक जानकारी दे सकता हूं। आप जब तक फ्लाइट ना ओके हो जाए, जब तक अपना वीजा ना चेक कर लें, तब तक आप किसी एजेंट को पैसा ना दें। यदि दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद।